आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाटर फिल्टर में लगी ये बूस्टर पंप। जब फिल्टर में पानी कम आता है उसकी वजह भी कई बार इस मोटर की प्रेशर कम होने की होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि क्या जब मोटर में प्रेशर कम हो तो हेड को चेंज कर देने से प्रॉब्लम हल हो जाती है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे चेक करें कि इसकी प्रेशर डाउन है वो किस वजह से है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे काफ़ी सिंपल और सरल तरीके इस मोटर को चेक करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो स्क्रू दिख रहा है तीन खुला हुआ, एक दो तीन, और यहाँ पर कुछ तीन स्क्रू दिख रहे हैं वो अंदर की साइड लगी हुई है। तो ये जो छोटे छोटे स्क्रू है उसको हमने यहाँ पर नहीं खोला है, और ये जो बड़ी बड़ी स्क्रू है जो यहाँ से यहाँ तक फिट होता है उसको हमने ढीला कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए, हम यहाँ पर इस स्क्रू को खोल देते हैं तो तीनों स्क्रू बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, कुछ स्क्रू पेचकस से खुल जाते हैं किसी मोटर का अगर पेचकस से नहीं खुलता है तो उसके लिए हमें एलेंकी का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, खोलने के बाद ये वाला हिस्सा है यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं उसको थोड़ा थोड़ा ठोकना है, इस तरीके से ठोकना है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, गैपिंग बनेगा। तो क्या करेंगे, एक पेचकस ले लेंगे जो माइनस वाले हिस्सा हो, उस पेचकस के हिस्से को यहाँ पर फंसा के थोड़ा सा अटैचना है, ये देखिए ये। फिर जब आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और दिखेगी, बेयरिंग जैसे चीज़ें, तो आप इस पेचकस को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर वो बेयरिंग जैसे चीज़ें दिखती हैं, फिर वहाँ से इसको अटैचेंगे इस तरीके से। तो ये मोटर और ये हेड अलग अलग हो जाते हैं। वीडियो में जैसे हम बात कर रहे हैं कि मोटर का प्रेशर डाउन होने की वजह क्या ये हेड ही है या फिर कुछ और, तो कैसे चेक करें, मैं बताऊंगा काफ़ी सिंपल तरीके। सबसे पहले ये जो मोटर है उसको हम आरओ में लगी एसएमपीएस से ही चेक करेंगे, चालू करके देखते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ रख दिया, ये एसएमपीएस है। अब इसकी वायर को हम यहाँ पर कनेक्शंस कर देते हैं। तो ये एक बार उठाया, यहाँ जोड़ा, एक बार फिर यहाँ से उठाया और मैंने इसकी कनेक्शंस कर दिया। देखिए, अब मैं इस एसएमपीएस को बिजली की बोर्ड से कनेक्शन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन दे दिया, इंडिकेटर चालू हो गई है और यहाँ पर मोटर भी चालू हो गया। अब चेक कैसे करना है, आपकी जितनी भी ताकत है उतनी ताकत से इस घूमती हुई शाफ्ट को रोकना है, अगर हम इस शाफ्ट को चलती हुई रोक दिए तो जो वाटर फिल्टर में जो पानी आ रही है मोटर तक, तो मोटर की प्रेशर डाउन है ऐसा हम समझ जाएंगे। अगर इसको हम रोक देते हैं तो सिंपल क्या करना है, इसकी पीछे की साइड ये जो कैप होता है को खोलना है, वहाँ पर बैरिंग लगा होता है, बैरिंग को चेक करना है कहीं जंग लगकर जाम तो नहीं है जिसकी वजह से ये मोटर का शाफ्ट जो है स्लो घूम रहा है, जो कि हमने हाथ से रोका तो रुक गया। अगर नहीं रुकता है तो दूसरी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है, मोटर कहीं प्ले तो नहीं है, स्लिप होकर तो नहीं घूम रही है, उस चीज़ को ध्यान देना है। अगर स्लिप होकर घूम रही है तो वो भी एक रीजन्स हैं जो कि वाटर फिल्टर में ये जो मोटर लगा होता है ये अगर प्ले होकर घूम रही है तो प्रेशर डाउन होने की वजह है। अगर आपने चेक कर लिया इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है तो हेड बिल्कुल ठीक है, हेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जब आपने चेक किया कि इसको हाथ से रोक कर देखा नहीं रुका और प्ले भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये जो हेड है उसको मार्केट में जाइए, दूसरी नई लाइए, सेम मिल जाएगी, ज़्यादा खर्चे की नहीं होती है, लगभग 300 से 400 रुपये की मेरे ख्याल से हेड आ जाती है। और हेड को चेंज करने से ही ये जो आरओ मोटर का जो पंप है वो प्रेशर बढ़ जाएगी, और इसको हेड को लगाना भी काफ़ी सिंपल है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मोटर बंद कर देता हूँ, ये जो खांचा बना हुआ है देखिए, और यहाँ पर इस मोटर के शाफ्ट में भी खांचा बना हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दोनों को इस तरीके से मिलाना है, ये देखिए
इस तरीके से लगाना भी काफ़ी आसान है, ये ऐसे लग जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको बराबर साइड से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसकी जो तीनों स्क्रू होते हैं उसको टाइट कर देंगे। फिर देखते हैं कि हमारी मोटर को चेंज करना नहीं पड़ा, सिर्फ ये जो हेड होता है उसको चेंज करने से आप पहचान पाएंगे कि इस मोटर की फॉल्ट क्या था। काफ़ी सिंपल सरल तरीके से आप अपने इस बूस्टर पंप मोटर की प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिले तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो।